और आप मेहनत भी करें, लेकिन उस मैच में एंड में बिल्कुल मेहनत नहीं। देखें इसी तरह का खिलाड़ी है मिसबा, जिस तरह खेलता है वो शुरू अपना उसका करियर ऐसे ही है, वो ऐसी शुरू में रोक के फिर वो आखिर में रन्स करता है। ठीक, बट वो नहीं हुआ, बुरा खेले आप, हार गए, मैच फिक्सिंग मैं नहीं समझता नहीं, मैच फिक्सिंग नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको बता दूं एशिया कप के फाइनल की बात, मैच के दौरान मुझको भी कॉल आ रहे थे कि जी ये तो फिक्स है पाकिस्तान ने हार जाना है। अच्छा जब जीत गया तो मैंने उन्हीं लोगों से पूछा, कहने लगे वो जी धोखा कर गए। तो ये चीजें जो है ना, ये एक तरह से उड़ाई भी जाती हैं। मैं नहीं कह रहा दो तीन हमारे प्लेयर्स पकड़े भी गए हैं, बट ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। आप देखें इंडिया के प्लेयर्स पर भी बैन लगा, साउथ अफ्रीका का भी हुआ, और दुनिया के हर टीम के प्लेयर्स इसमें जिन्हें सजाएं मिली हैं और इन्वॉल्व रहे हैं, बट खास तौर पे पाकिस्तान को बदनाम करने, पाकिस्तान का कहना बहुत ज्यादती वाली अच्छा, बात है। आपके ख्याल में अगर ये बांग्लादेश टीम आ जाती तो आपके ख्याल में कौन सी टीम बेहतर होती खेल? देखिए बांग्लादेश के ना आने की वजह एक ये भी है कि वो एशिया कप में बेहतर खेल ले, और यहाँ अगर वो आते तो काफी हद तक पता चल जाता उनकी कमजोरियों का, उनको अंदाजा हमारी टीम किसी से कम तो है नहीं, उनको अंदाजा था, और इस चीज का ये एक वजह ये भी थी कि उस खौफ की वजह से भी वो नहीं आए कि अगर वो शिकस्त खा जाएंगे तो वो जो एशिया कप में इतने करीब आके हारे हैं तो उसका भी पता चलेगा। लेकिन आप मसला ये कि जब तक आप अच्छी टीम के आगे खेलेंगे नहीं, ये बांग्लादेश को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान जैसा मुल्क उन्हें बुला रहा है, उन्हें इज्जत दे रहा है और खेलना चाह रहा है, वरना बांग्लादेश के साथ तो टीम कोई टेस्ट सीरीज खेलने को तैयार नहीं होती थी। अच्छा। आप सोचें 7 साल से उन्हें टेस्ट स्टेटस मिला है, पहली बार इंडिया ने कहा है, वो भी मुझे लगता नहीं कि बिकॉज टाइम उनके पास इतना नहीं है कि आप हमारे यहाँ जो उनके क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप हमारे यहाँ आके टेस्ट सीरीज खेलें, तो 7 साल में पहली बार ये उन्हें चांस इंडिया दे रहा है, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इतना उनसे दरख्वास्त कर रहा है, आने को कह रहा है। बट उसका हमारे पास तरीकाकार ये है कि हमने पीपीएल ऑर्गेनाइज करने का सोचना है, एक अलग से टीम बनानी है, और जिस टीम का फोकस सिर्फ पीपीएल पे हो, और इसे इस तरह से इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो वो कि सारी दुनिया देखे, और आप इतना अच्छी असल में सारी बात पैसों की है। अगर आप अच्छे पैसे देंगे तो दुनिया का कौन सा प्लेयर है नहीं आएगा। आईपीएल के मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स का मैच था, बम ब्लास्ट हुए थे, लेकिन वो खेल रहे थे जी, थोड़े सारे खेल रहे थे, आराम से खेल रहे थे। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हो रही थी, उसी दौरान वो जो एक हमला हुआ था, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की मैचेस हुए, बट मसला सारा ये है कि जब आप अच्छे पैसे देते हैं तो लोग आते हैं, तो उसके लिए आपने तैयारी कर ली। क्रिकेट का दहशतगर्दी से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं ना, अगर दहशतगर्दी हो भी रही है आप में, मैं वही बात करना चाह रही हूँ। देखिए हमारे मुल्क में हुई, जब श्रीलंकन आए चले हो गई, मुंबई अटैक्स हुए, इसमें क्रिकेट टीम्स को बैन लगाना या उनका ना आने से क्या होने वाला है? देखिए क्रिकेट ये स्पोर्ट्स में मैं कहता हूँ सियासत का अमल दखल होना ही नहीं चाहिए। क्रिकेट एक ऐसी चीज होती है, आपने देखा होगा फवाद, कि सबको यूनाइटेड कर, बिल्कुल सबको यूनाइट करता है, आपस में आप देख रहे हैं, अपने मुल्क में देख रहे हैं और दूसरे ममालिक में देख लें, तो क्रिकेट ही एक ऐसा या स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जो लोगों को, कौमों को एक साथ मिलाता है, मिला देती है, और आप उसे और जोड़ तोड़ रहे हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, जो इंडियन टीम पाकिस्तान आई थी आखिरी बार, जिस तरह से हम लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी और जिस तरह हम खुश होके गए थे, और पाकिस्तानी लोगों की मेहमान नवाजी की तो सारे लोग तारीफ करते हैं कि उनको सपोर्ट कर रहे थे, हम तो हम भी यही चाहते थे कि कम से कम ये वाला सिलसिला ना हो। ठीक है आप टीम नहीं भेज रहे, टीम नहीं आ रही, अलग बात है, बट खास तौर पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप ये कह दें कि जी इन्हें आईपीएल में ना दिया जाए। ये आईपीएल की बात आप करें तो आईपीएल में अभी मुझे बताएं कि सिर्फ पाकिस्तानी टीम नहीं खेल सकती, बाकी ओवरऑल अगर आप सारी कंट्री से लोग खेल रहे हैं जी, सारी दुनिया सिवाय पाकिस्तानी, सिवाय पाकिस्तानी, हालांकि देखें सब पाकिस्तानी की वजह से कितनी वो, आपने बिल्कुल ठीक है, पहली टीम, पहली दफा का जो आईपीएल था ना, और ये तो उनके खुद अखबारों ने कहा है कि उनकी रेटिंग नीचे होगी टीवी की, बताएं कौन देखेगा, तो उसमें सारा अपने हमारे क्रिकेटर्स को पसंद किया जाता है। अब एक क्रिकेटर ने शादी तक कर ली, ये सोचिए अब वो मैच भी देखने इवन गए, वो मैच भी देखने गए, तो आप देखें कितनी बड़ी बात है कि मुझे खिला लो किसी तरह, उन्होंने कहा कि जी मैं इधर आया हूँ, किसी तरह मुझे बुला लो अंदर। नहीं ये मैं बताऊँ, ये परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हो जाती हैं, हमारे मुल्क को भी सोचना चाहिए, उनके मुल्क को भी सोचना चाहिए, कि जब एक्ट्रेसेस वगैरह जब खरीद लेती हैं टीम्स या जो भी है उनकी अपनी टीम्स होती हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है। और आईपीएल की वजह से आप देखिए ना, लोगों को तो यही मैचेस ही हैं जिससे आप यूनाइट होते हो, एक साथ बैठते हो, मैचेस देखते हो, क्यों इस चीज को खत्म करना? देखिए ये तो अब उनकी, और आपने ये भी देखे ना कि मैचेस की वजह से या थोड़ा इंडस्ट्री की वजह से हमारे इतने जबरदस्त सिंगर हैं, इसी तरह हम आपस में मिल रहे हैं। अब देखिए ना, अब आप फैशन शो एक हुआ, आपकी बिजनेस काउंसिल्स बन रही इंडिया पाकिस्तान,
और आप इस तरह से क्रिकेट पे बैन लगा रहे हैं प्लेयर्स पे, तो वो की कुछ अच्छा मैसेज तो नहीं जाता ना ओवरऑल कि आपने जी आईपीएल में हमारे प्लेयर्स नहीं खेल सकते, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। यहाँ से जब इस तरफ से भी कोशिश हो रही है ताल्लुकात बेहतर करने की, तो उन्हें भी चाहिए कि उसका जवाब मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हमारे साथ एक कॉलर मिसेस तारिक बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आमना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी मिसेस तारिक? अल्लाह का शुक्र, अब तो मैं आपकी बहुत रेगुलर कॉलर बन गई हूँ। हाँ, अपना नाम बताएं प्लीज मिसेस तारिक, बहुत लंबा लग। नहीं नहीं, अपना नाम बताएं। समीता तारिक। समीता जी, आपकी बहुत रेगुलर कॉलर बन गई हूँ। हाँ जी, आप मुझे क्या दे रही हूँ, आप भूली तो नहीं मुझे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कॉलर बन गई मिसेस तारिक साहब, मुझे याद है बिल्कुल। हम ना, हम आपका ही शो देखते हैं ना, हम रेगुलर आपका शो देखते हैं। आप किसी क्यों नहीं बुलाती डिजाइनर को अपने शो में? सारे डिजाइनर सारे शो में लॉन्च कोई नहीं, मेरे शो पे तो बहुत डिजाइनर आए हैं अभी तक, तो मुझे एक भी कल साइम अली आए हुए थे परसों, इतने बड़े डिजाइनर। सर लाइट ने बहुत परेशान किया हुआ, इसी वजह से मैंने नहीं देखा होगा आपका शो। हाँ नहीं नहीं भाई, डिजाइनर्स आते हैं, वो लॉन वाले नहीं मैं बुला रही, तो वो मेरी अलग बात है, लेकिन नहीं शो आपका बहुत अच्छा है और आपका स्टाइल तो है ही सबसे अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आमना, मुझे आपसे एक बात ये भी कहनी थी कि प्लीज इनसे पूछिएगा कि जो क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तानी क्रिकेट क्यों आपको आपको शर्म आ रही पूछते हुए, आप पूछ लें। नहीं आप हमारी सबसे नहीं नहीं, आपकी आवाज भी उनको उतनी आ रही है जितनी मुझे आ रही है, आप पूछ सकती हैं आराम से। चलें, कॉल ही कट गई, मतलब ये क्या बात है, मैं यहाँ बैठ के आपकी मैसेंजर बनूं, आप वो भी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आवाजों का पर्दा नहीं होता, आप बात कर सकती थी जो भी आपने पूछना है। खैर अब तो कॉल ही कट गई। अच्छा, हम बात कर रहे थे मैचेस के ऊपर कि ये आईपीएल में मना कर दिया गया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जैसे अभी आपने कहा कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीजें हो जाएं जिसमें हमारे ही लोग मैचेस होते रहें। पहले आपने देखा था फवाद के पहले होते थे हमारे बैंक्स के आपस में मैच हो रहे थे। हमारे यहाँ अभी भी T20 बहुत सक्सेसफुल हुआ था, हाँ, जो हमने कराया था पिंडी में, तो हमें मैं वही बात कर रहा था कि PPL उसी पाकिस्तान प्रीमियर लीग हमने कराने का प्लान करना होगा, बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पर कराने की कोशिश करनी होगी, हम कर सकते हैं और उसमें हम इतना अच्छा वो एक इवेंट हो के लोग बाहर से आए देखने के लिए, और हम उन्हें प्लेयर्स को इस तरह से इतने अच्छे पैसे देंगे वो खुद पाकिस्तान खेलने आना चाहें, तो ये हमें थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा अब हमें, और कंसंट्रेट अगर हमें करना है तो उन क्रिकेट बोर्ड्स पे करना है कि जो जेरे असर नहीं है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की या दूसरे क्रिकेट बोर्ड के जो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। हम जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकते हैं, इवन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जिनके साथ हुआ स्टिल उनसे बात की जा सकती है, बट पहले एक अच्छा एक टूर्नामेंट कराएं जिसमें बाहर के प्लेयर्स आए खेलें, तो वो जाके अपने ममालिक में जाके बताएं, अच्छा, मुल्कों में जाके बताएं कि जी ये पाकिस्तान सेफ कंट्री है और आप यहाँ पर आके खेल सकते हैं। हमें जरूर इस बारे में सोचना पड़ेगा, करना चाहिए। और एक और मैं आपसे भी चीज पूछूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं एक कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, डॉक्टर अहमद बात करें। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग आपका प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज मैं कुछ ये कहना चाहूंगा कि बहुत अफसोस हुआ कि बांग्लादेश नहीं आ रही है, वर्ल्ड जो है हमारा कैंसिल कर दिया, तो हमें चाहिए कि मैं समझता हूँ कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को या तो बुलाया जाए या वर्ल्ड 11 का मैच कराया जाए ताकि डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए और फिर यहाँ पे वापस से स्टेडियम हमारे आबाद हों, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और क्रिकेट देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहते और हैं, और पाकिस्तान चैंपियन लीग होनी चाहिए, इंडिया से थोड़ी सी डिफरेंट करें और ताकि नए नए लोग आए, नए नए क्रिकेटर्स आए बाहर से, और वो ताकि हमारे मुल्क को फायदा हो इस वक्त। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप लोग के पाकिस्तान के लिए जो है वो थोड़ा सा ये जो सियाचिन में लोग फंसे हैं इनके लिए भी प्रोग्राम दिखाएं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इस वक्त हम लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं, हमारा मीडिया जो है वो सियाचिन के लोगों को इतना नहीं दिखा रहा बनिस्बत के वो इंडियन अवार्ड शोज और ड्रामेज और डांस चीजें दिखा रहे हैं। तो बाहर अगर दो लोग भी मर जाए अमेरिकन सोल्जर्स तो वो लोग शो करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ वाकई, अभी तक हमारे यहाँ मैंने भी शायद एक ही दिन ज्यादा बात नहीं की थी, एक ही दिन मैंने सियाचिन के लिए बात की थी, जो वहाँ पे हमारे सोल्जर्स बेचारे जो हैं वो अनफॉर्चुनेट, उनके साथ इतना बड़ी ट्रेजेडी हुई है उनकी फैमिलीज के साथ। लेकिन ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखें हम तो मॉर्निंग शो पे कितनी बात कर लेंगे, लेकिन इस वक्त न्यूज चैनल्स को और इन लोगों को आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बजाय इसके कि और मजीद ये फजूल के टॉक शोज दिखाने से बेहतर है
कि उनके लिए कुछ करें। होता है कि हम सुबह से ही रात तक डांस डांस देखते रहते हैं, हाँ। देखते हैं। ये थोड़ा हमारे कल्चर से अगेंस्ट जा रहा है भाई। ये तो आप कह रहे हैं ना कि एक बंदा कह रहा है, आपको पता है लोगों को यही बातें पसंद है, मॉर्निंग शोज पे शादियां हो जाएं, रात को जी शो पे बैठ के चीपनेस हो जाए, डांस भंगड़े हो जाएं, यही लोगों को पसंद है।